ओके, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इन ट्राइवेलेंट स्टेट, ठीक है, क्या लिखा है देखिएगा, इन ट्राइवेलेंट स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड ऑफ दिस एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक्चुअली देखिए बोरोन का है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि बोरोन का पांच होता है, तो इसका मतलब क्या है आपका, 1s2, 2s2, 2p1, ओके। तो P में कितना, तीन डब्बा है, इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन खाली है, दो बटल खाली है कि नहीं खाली है, इसलिए इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोला गया, क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, ओके। अब देखिए आगे क्या लिखा है इसमें, यहाँ पे देखिए ये मोस्टली क्या करता है ना, चूंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और जिसके पास वैकेंट, अभी दिखाया था ना वैकेंट ऑर्बिटल था, और जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसको लेविस एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लेविस एसिड, इसे क्या लिखा है यहाँ पे, लेविस एसिड, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो को बता दिए, इसलिए BCl3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, देखिए बोरोन है, बोरोन का कितना है, पांच है, तो क्या लिखेंगे बताइए, 1s2, 2s2 एंड 2p1, एस में कितना डब्बा है, एक डब्बा, पी में कितना डब्बा है, तीन डब्बा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, अब वैकेंट ऑर्बिटल तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और जैसे देखिए यहाँ पे BCl3 यहाँ है और NH3 है, तो NH3 को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, तो NH3 को एक्सेप्ट करके क्या बन गया, BCl3 NH3, क्या बना, BCl3 NH3, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि उसका वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वहां पर अपना इलेक्ट्रॉन वो दे दिया, ठीक है, इससे प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, हाँ नेक्स्ट देखिए क्या है, इन ट्राइवेलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड बीइंग कोवेलेंट एंड हाइड्रोलाइज बाय वाटर। देखिए हाँ, ये देख लीजिए BCl3 बन गया, अच्छा BCl3 का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कैसा होता है, देखिए आपका AlCl6 कैसे बनता है वो देखिए, Al2Cl6, देखिए ऐसे बनता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास क्या है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम के लास्ट में भी क्या है, 13 है, तो 2, 8 और 3, ठीक है, तो एल्यूमिनियम के पास कितना हो गया लास्ट में, 13, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक एक दो और तीन, एक यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, एक यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, एक ऑर्बिटल जो रहेगा वो क्या होगा, खाली हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल वहाँ डाइबोरेन जैसा, जैसे हम फिर से बना के दिखाते हैं, देखिए आपको अच्छे से, ठीक है, यहाँ देखिए सबसे अच्छे से देखिए आप, यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम है, क्या है, एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम है आपका, तो एल्युमिनियम के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक से कोलिन यहाँ हो जाएगा, एक कोलिन यहाँ हो जाएगा, और एक और बेटर, तो एक कोलिन यहाँ हो जाएगा, उसी तरह एल्युमिनियम है, तो एक कोलिन यहाँ हो जाएगा, एक कोलिन यहाँ हो जाएगा, एक कोलिन यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, इससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर लेता है ना, यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इधर वाला को आप ये भी याद कर लीजिए कि ये दोनों कोल्ड्रिंक जो होगा ना, ये आउट ऑफ द प्लेन होगा, ठीक है, एक होगा अबव द प्लेन, एक होगा लोअर द प्लेन, ये वाला लोअर द प्लेन, ये वाला अबव द, और ये चारों जो है आपका ऑन द प्लेन है, ठीक है, इसे क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, इन ट्राइवेलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड बीइंग कोवेलेंट आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि ट्राइवेलेंट स्टेट में जिसको वैकेंट ऑर्बिटल है, तो पानी के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोलाइज कर लेगा, क्या बनाएगा, MOH4, इसमें कोई नॉर्मल बात है, एल्यूमिनियम जैसे क्या, एल्यूमिनियम क्या करता है ना, MOH4 ना बना करके बनाता है 6 वाटर मॉलिक्यूल, याद रखिएगा 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच करता है, याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, तो बात कीजिएगा अगर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर में, बोरोन जो होता है ना वो, देखिए ग्रुप का पहला एलिमेंट जो है ना, बोरोन तो एक नॉन मेटल, ठीक है, ऊपर से ग्रुप का पहला एलिमेंट है, तो अपने नीचे वाले एलिमेंट से क्या करेगा, बिल्कुल एनोमलस बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, तो ब्रोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ब्रोन क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, जबकि एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम भी अनरिएक्टिव होता है, तो इसका रीजन अलग है, एल्युमिनियम के ऊपर क्या होता है, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, एल्युमिनियम के ऊपर क्या होता है कि उसमें थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड लेयर होता है, जिस कारण से क्या होता है कि एल्युमिनियम आगे जाकर कंबाइन नहीं कर पाता, ठीक है। एमोरफस बोरोन एंड एल्युमिनियम मेटल ऑन हीटिंग एयर B2O3, अब देखिए जो एल्युमिनियम या फिर बोरोन मोस्टली रिएक्ट करके क्या बनाएगा, E2O3 या फिर EN, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर एल्युमिनियम है, ठीक है, एल्युमिनियम पाउडर फॉर्म रिएक्ट कर लेगा लेकिन सॉलिड फॉर्म रिएक्ट नहीं करेगा, ये O2 के साथ क्या बनाएगा बताइए, Al2O3, अगर नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, Al2O3,
एन, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास भी कितना है, तीन है, नाइट्रोजन के पास कितना है, तीन है, कट जाएगा तो एल एन हो गया। और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के केस में देखिएगा तो ऑक्सीजन के केस में क्या है, अगर आपको दिखाएं हम, एल्यूमिनियम के पास कितना होता है, तीन, ऑक्सीजन पास कितना है, दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, Al2O3। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या लिखा है, द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स वेरीज डाउन द ग्रुप। अच्छा, नेचर जो है ना डाउन द ग्रुप क्या करता है ना, वेरीज करता है। ठीक है, ब्रोन ट्राइऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है, मतलब B2O3 क्या होगा आपका, एसिडिक रहेगा। Al2O3 क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड में तो एम्फोटेरिक होता है, और नीचे वाला क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, एक्चुअली ब्रोन जो होता है ना वो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल मोस्टली आपका क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड, और नीचे वाला एलिमेंट मेटल है तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। जैसे कोई बोले आपसे बोरोन फैमिली में का देखिएगा तो बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, तो ये जी सब एलिमेंट है, ये सब का ऑक्साइड क्या बनता है, बेसिक, क्योंकि मेटल ऑक्साइड है। और ये आपका नॉन मेटल एसिड है तो ये एल्यूमिनियम क्या, एम्फोटेरिक बनाए, क्या बनाएगा, एम्फोटेरिक, मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों जैसा बिहेव कर सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड अल्कलीज। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड अल्कलीज। ठीक है, देखिए ब्रोन डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड अल्कलीज, ब्रोन एसिड या अल्कलीज के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, याद रहेगा ये बात। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या करता है ना, मिनरल एसिड में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम डिजोल्व इन डायल्यूट HCl एंड लिबरेट डाइनाइट्रोजन। एल्यूमिनियम क्या करता है, डिजोल्व करता है HCl में और लिबरेट क्या करता है, डाइनाइट्रोजन। ठीक है, डाइहाइड्रोजन। तो एल्यूमिनियम क्या किया, HCl के साथ रिएक्ट किया, क्या बनेगा, Al+Cl+H2O। ठीक है, हाउएवर कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रेंडर्स एल्यूमिनियम पैसिव फॉर्मिंग द, आपको पता ही है कि एल्यूमिनियम जो होता है उसके ऊपर में क्या होता है, ऑक्साइड का लेयर चढ़ा होता है, इसलिए रिएक्ट नहीं करता। जबकि देखिए एल्यूमिनियम जो होता है वो एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों रिएक्ट कर लेता है। जैसे एल्यूमिनियम यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा था, NaOH क्या है, बेस है, तो इसलिए बेस के साथ रिएक्शन करके लेगा। ठीक है, वैसे तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, बेस ऊपर से देखिएगा, ये वाला पॉइंट देखिए एसिड के साथ, इसलिए एल्यूमिनियम को बोले थे क्या, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, आज एक पेज पढ़ लिए, इसके नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।